हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की स्टफ पूरी। इसे हम दाल भरी पूरी या दाल पूरी भी कहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल इंडियन डिश है और बहुत सारी जगह जैसे आगरा कोलकाता में भी बहुत फेमस है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 400 ग्राम चना दाल। इसे हमने ओवरनाइट पानी में भिगाकर वाश कर लिया है। आप इसे 4 से 5 घंटे भी पानी में भिगाकर रख सकते हैं। साथ में हम लेंगे 20 से 25 कलियां लहसुन की और 5 से 7 हरी मिर्च कटी हुई। अब हम गैस पर एक कुकर रखेंगे। जब कुकर गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तब हम इसमें चना दाल ऐड कर देंगे और थोड़ा चला देंगे। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस दाल के बराबर जितना पानी दिख रहा है बस हमें इतना ही पानी डालना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी दाल गीली हो जाएगी और बेलते नहीं बनेगी। वैसे तो चना दाल पकने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने दाल को भिगा कर रखा था तो 2 से 3 सीटी में दाल अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा चला लेंगे। अब हमें कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक पका लेना है। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। इसे पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा बनाते हैं। बस हमें ऐसा ही डो तैयार कर लेना है। जब तक हमारा आटा गूंथ रहा है तब तक आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन फ़ोन में मिल जाए। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब हमारा डो तैयार हो गया है, इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। देखिए हमारी दाल पक गई है। अब इसमें 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमें दाल का पेस्ट बना लेना है। इसे आप मैशर या करछी से अच्छे से मैश कर लें। अगर आपके पास सिल बट्टा है तो आप मेरे जैसे सिल बट्टे पर पीस कर पेस्ट बना लें। क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल देसी डिश बना रहे हैं तो हमने उस फीलिंग को मेंटेन करने के लिए सिल बट्टे का यूज किया है। देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है और यह बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में आ गई है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम दाल की पूरियां बेल लेते हैं। इसके लिए हमने आटे की छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं। अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर हाथ की सहायता से कटोरी जैसा आकार देंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब इसमें दाल का मिक्सचर डालकर इस तरह से बंद कर देंगे। ऐसे ही हमें सारी स्टफिंग भर लेनी है। अब हम इन्हें सूखा आटा लगाकर पूरी की साइज का हल्के हाथों से बेलेंगे। ध्यान रहे हमें दबाकर नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी स्टफिंग साइड से निकल जाएगी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। पूरियों को तेल में डालते समय यह ध्यान रखें कि हमने जिस साइड स्टफिंग को डालकर बंद किया था वो वाला साइड तेल में डालते टाइम नीचे की तरफ रखें। इससे हमारी पूरियां जब फूलती हैं तब फटती नहीं हैं। इसे हमें पलटकर दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमें एक एक करके सारी पूरियां फ्राई कर लेनी है। अब हमारी दाल पूरी सर्व करने के लिए रेडी है। वैसे तो ट्रेडिशनली दाल पूरी खीर के साथ खाई जाती है,
आप इसे सॉस, चटनी, अचार या फिर ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है यह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए विद नीलम्स किचन फिएस्टा।